तो आज हम देखेंगे गैल्वेनिक करंट। तो गैल्वेनिक करंट भी होता है लो फ्रीक्वेंसी करंट। जैसा हमने फैराडे करंट पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, तो उन्हीं की तरह जो गैल्वेनिक करंट होता है वो भी एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। अब ये जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला करंट होता है। जो हमने फैराडे करंट पढ़ा था वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले करंट्स होते हैं। इसका मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.1 ms से 1 ms के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो फैराडे करंट का था। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक करंट है वो तो 1 ms से स्टार्ट होता है। फैराडे करंट 1 ms पे आके ख़त्म हो रहा था, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1 ms से 300 या 600 ms के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमारा गैल्वेनिक करंट का होता है। तो अब क्योंकि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से इसको डीनर्वेटेड जो मसल्स होता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। डीनर्वेटेड मसल्स जिनकी वो मसल्स जिनकी जो नर्व सप्लाई है वो कट ऑफ हो चुकी है, तो उन ऐसी मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ में लेते हैं। और जो हमारी फेस की जो मसल्स होती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम गैल्वेनिक करंट का ही यूज़ में लेते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होता है, जैसे फैराडिक करंट में तो क्या था कि जो इनर्वेटेड मसल्स होती है जिनकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट होती है जिन मसल्स की, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, स्ट्रेंथन कराने के लिए, अगर वीक हो चुकी है मसल या फिर रीएजुकेट कराने के लिए हम फैराडिक करंट यूज़ में लेते थे। तो उसमें तो क्या करते थे, जैसे ये हमारी मसल है और उसकी जो मोटर नर्व है इस पॉइंट से एंटर हो रही है, तो इसको हम मोटर पॉइंट बोलते थे। और इसी के ऊपर हम इलेक्ट्रोड रखते थे ताकि जो इलेक्ट्रोड है ये मोटर नर्व को स्टिमुलेट करेगी, और जैसे ही मोटर नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो आगे जाके जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। लेकिन अब क्योंकि जो गैल्वेनिक करंट हम यूज़ में लेते हैं डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी मोटर नर्व होती है वो तो कट ऑफ हो चुकी है, तो उस वजह से अपन को क्या करना है, जो मसल है उसके ऊपर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड रखने और मसल को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। जो फैराडिक करंट के अंदर तो हम जो मोटर नर्व थी उसको स्टिमुलेट करवा रहे थे और मोटर नर्व आगे जाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, बट गैल्वेनिक करंट के अंदर हम डायरेक्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो कट ऑफ हो चुकी है, तो उसको कैसे स्टिमुलेट करवाएंगे। तो इस वजह से इसके अंदर अब हम इलेक्ट्रोड्स कहाँ पर रखते हैं, मेनली एक तो ओरिजिन पे रखते हैं और एक उसका जो इंसर्शन होता है मसल का वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स रख सकते हैं और डायरेक्ट हम जो मसल है उसको स्टिमुलेट कराते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा है हमारा गैल्वेनिक करंट का। और उसके अलावा ये जो ये होता है इंटरप्टेड डीसी, इंटरप्टेड डीसी मतलब कि पल्स डायरेक्ट करंट, मतलब कि जैसे कुछ टाइम पीरियड तो ये ऑन रहेगा, फिर कुछ टाइम पीरियड ये ऑफ रहेगा, कुछ टाइम पीरियड करंट फ्लो होगा, पेशेंट को करंट मिलेगा, फिर कुछ टाइम पीरियड ये ऑफ रहेगा, फिर कुछ टाइम पीरियड ये ऑन रहेगा, मतलब एक पल्स की फॉर्म में, इंटरप्टेड फॉर्म में ये पेशेंट को दिया जाता है। अब जो गैल्वेनिक करंट है वो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारा फैराडे करंट भी उससे प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद में सर्जिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सर्जिंग करते हैं तब कहीं जाके हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी तरह ये करंट जो है रिजेंबल करता है। अगर हम सर्जिंग नहीं करेंगे तो टिटेनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो इस वजह से हमें सर्जिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्जिंग के अंदर क्या होता है कि जो करंट होता है उसको इंटरप्टेड करंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो करंट होता है वो स्लोली इंक्रीज होता है, फिर अपने पीक इंटेंसिटी के ऊपर जाता है और फिर स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है। और फिर तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रिजेंबल करता है हमारे नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब कि हमारी जो मसल होती है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है, पूरा पीक कॉन्ट्रैक्शन पर जाती है, फिर धीरे धीरे वापस से रिलैक्स होती है। तो ये रिजेंबल करता है हमारा नॉर्मल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी तरह। तो अब इसके अंदर जो फर्स्ट है, अब ये जो तीनों है, ये और ये इन तीनों को हम सेलेक्टिव इम्पल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है, ये हमारी इंटेंसिटी है और ये टाइम ड्यूरेशन है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे राइज होती है, आप इन तीनों के अंदर देख सकते हो कि इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे राइज हो रही है, और इन तीनों को हम सेलेक्टिव इम्पल्स बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है ट्राइंगुलर इम्पल्स। अब ट्राइंगुलर क्यों बोलते हैं, इसका शेप भी आप लोगों को ट्राइंगल की तरह रिजेंबल कर रहा होगा, तो उसी वजह से इसको ट्राइंगुलर इम्पल्स बोलते हैं। अब ये है, इसका शेप ट्रेपेजॉइड की तरह है, तो इसको ट्रेपेजॉइडल सर्जिंग बोलते हैं। ये ट्रेपेजॉइड की तरह रिजेंबल करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्लोली इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर जो पीक तक जाएगी इंटेंसिटी, और वो वहाँ तक थोड़ी देर रहेगी, सस्टेन रहेगी, और फिर धीरे धीरे वापस से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइड। अब ये है सॉटूथ। तो
सॉ टूथ के अंदर क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो राइज तो धीरे धीरे होती है बट सडनली फॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों है सेलेक्टिव इम्पल्स। बट और जो हम गैल्वेनिक करंट जब यूज़ में लेते हैं तो सेलेक्टिव इम्पल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जब हम सेलेक्टिव इम्पल्स यूज़ में लेते हैं तो इसके अंदर इंटेंसिटी धीरे धीरे राइज होती है, तो उस वजह से कोई दूसरा अननेसेसरी हमारी जो मोटर नर्व्स है या फिर सेंसरी नर्व्स है वो अननेसेसरी स्टिमुलेट नहीं होती है। तो जैसे अगर सपोज करो कि इधर वाली जो मसल है मेरी वो डीनर्वेटेड हो गई थी, जैसे सपोज करो कि जो रिस्ट ड्रॉप होता है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि हमारे जो ह्यूमरस जब फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे हमारी जो रेडियल नर्व होती है वो रन करती है, और रेडियल नर्व जो होती है वो हमारे एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है। तो उस वजह से जैसे ही इधर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो हमारी जो रेडियल नर्व होती है उसको भी डैमेज होने का काफ़ी चांसेस रहता है, उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स है उसको स्टिमुलेट करवाना पड़ता है, क्योंकि उधर की जो नर्व सप्लाई वो तो कट ऑफ हो गई है। तो इस वजह से हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स है वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं ताकि जो एक्सटेंशन फंक्शन है वापस से हम रीस्टोर कर सकें। तो नॉर्मली इस टाइम पे जब हम गैल्वेनिक करंट यूज़ में लेते हैं तो हम ट्रायंगुलर या फिर जो सेलेक्टिव इम्पल्स है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई दूसरा अननेसेसरी मोटर कोई दूसरी मोटर नर्व या फिर सेंसरी नर्व स्टिमुलेट नहीं होती, अननेसेसरी स्टिमुलेशन नहीं होता। जो हमारी ऑलरेडी आसपास की जो इनर्वेटेड मसल्स है जिनकी नर्व सप्लाई अच्छी खासी है तो उनका स्टिमुलेशन होता नहीं है इतना, सिर्फ जो हमारे हमें जिसको स्टिमुलेट करना है वही स्टिमुलेट होती है। तो उस वजह से हम सेलेक्टिव इम्पल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके अलावा हमारी रेक्टेंगुलर इम्पल्स भी होती है, ये इसका शेप आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा इसलिए इसको रेक्टेंगुलर इम्पल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इम्पल्स होते हैं एकदम से राइज होती है, सडनली राइज होती है, फिर उस जो पीक जो कंट्रैक्शन है उधर थोड़ी देर रहती है और फिर एकदम से वापस से फॉल होती है, तो इसको रेक्टेंगुलर इम्पल्सेस भी बोलते हैं। अब सपोज़ करो कि हमें कोई भी डीनर्वेटेड मसल को कंट्रैक्ट करवाना है तो और हमने ट्रायंगुलर इम्पल्स को चूज़ किया, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको राइज टाइम बोलते हैं और इसको फॉल टाइम बोलते हैं। तो हमने राइज टाइम चूज़ कर लिया मे बी 200 ms, मतलब कि जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली जो मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और पीक कॉन्ट्रैक्शन तक लेके जाएगा तो वो 200 ms टाइम पीरियड इतना लेगा पूरा धीरे धीरे मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, और जो फॉल टाइम हमने ले लिया वो भी ले लिया 200 ms। तो इसका मतलब है कि पूरा पीक कॉन्ट्रैक्शन करा लिया उसने और फिर वापस से वो जब रिलैक्स कर रहा होगा मसल को तो पूरा रिलैक्स करने में भी वो पूरा 200 ms लेगा, ठीक है, मिलीसेकंड्स लेगा। तो ये जो पूरा जो फिर हमारी जो इम्पल्स पल्स की जो लेंथ हो गई वो हो गई 400 ms। तो इसका मतलब है ये 400 ms है मतलब कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ गया। तो ऐसे हम जो ट्रायंगुलर इम्पल्स या फिर ट्रेपेजॉइड इम्पल्स इन सबको यूज़ में ले सकते हैं डीनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गैल्वेनिक करंट। तो इसके अंदर फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स, मतलब कि जब भी हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे हमारी मसल्स के ऊपर तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आसपास की जो सेंसरी नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो सकती है, उसकी वजह से पेशेंट को फील हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जो बर्निंग टाइप सेंसेशन या फिर थोड़ा पेनफुल सेंसेशन उसको उस एरिया के अंदर फील हो सकता है, और इसकी वजह से अगर हम जब इलेक्ट्रोड्स को वापस से हटाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इरिथमा देखने को मिलेगा, कुछ माइल्ड सा रेडिश पिंकिश जो वहाँ की जो स्किन है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेडिश पिंकिश कलर के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड्स जब हम प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स है उनका वेजोडाइलेशन भी देखने को मिलता है। बट इसका जो ये इफेक्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स ये इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना काम का नहीं है थेराप्यूटिकली, तो इस वजह से इसको हम नॉर्मली यूज़ में नहीं लिया जाता है थेराप्यूटिकली। जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व्स। तो अगर हम जब इलेक्ट्रोड्स प्लेस करें और हाई इंटेंसिटी के ऊपर तब हो सकता है कि वो मोटर नर्व्स को भी स्टिमुलेट करे और मोटर नर्व्स आगे जाके इंटर्न जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, तो वहाँ पे एक ट्विच टाइप कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है उस मसल का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशंस ऑफ गैल्वेनिक करंट, इंडिकेशंस मतलब थेरापूटिक इफेक्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, मैं कब से आपको ये चीज़ बताती आ रही हूँ कि जो गैल्वेनिक करंट होता है वो डीनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज़ में लिया जाता है।
तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पे रेडियल ग्रूव के अंदर हमारी रेडियल नर्व रन करती है और उस फ्रैक्चर की वजह से रेडियल नर्व जो थी वो डैमेज हो गई और रेडियल नर्व हमारी एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है। अब क्योंकि रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई नहीं मिल पाई, मोटर नर्व की सप्लाई नहीं मिल पाई और उस वजह से रिस्ट ड्रॉप हो गया। तो अब क्योंकि अब मसल्स जो है एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो उस वजह से क्या होगा कि अब वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पा रहा, पेशेंट वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पा रहा, तो उस वजह से हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स है वो टाइम के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो धीरे 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 वो डीजनरेट होती जाएगी, एट्रॉफी होती जाएगी उस मसल की। तो अब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि नर्व तो अब उसकी जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई, अब वो धीरे धीरे अपने आप इनर्वेशन होगा उसका, बट तब तक टाइम पीरियड के लिए अपन को जो मसल है उसको तो मेंटेन करके रखना है, उसकी जो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो तो अपन को मेंटेन करके रखना है ताकि जो एट्रोफी है उसको प्रिवेंट कर सके, कॉन्ट्रैक्चर उसको प्रिवेंट कर सके। तो उस वजह से अपन क्या करते हैं, गैल्वेनिक करंट का यूज़ लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारी जो जहाँ पे हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स की जो बल्की एरिया है वहाँ पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड रख देंगे ताकि जो मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट करें, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाए और जो एट्रॉफी है वो अपन प्रिवेंट कर सके मसल्स की। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फंक्शन जो है हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से मेंटेन करके रख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो भी काफ़ी बार इंजर्ड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है। तो उस टाइम पे भी हम जो एंटीरियर टीबीएलएस है उसकी जो फंक्शन, उसका एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है, जो दूसरा इंडिकेशन है हमारा गैल्वेनिक करंट का, वो है इलेक्ट्रोडायग्नोसिस। इलेक्ट्रोडायग्नोसिस बेसिकली मतलब है इसका कि एसडी कर्व्स वगैरह होते हैं तो वो अपन लेते हैं पेशेंट के जो भी मसल्स वगैरह होता है, उस एसडी कर्व से पता चलता है कि कितना जो मसल है कितना पोर्शन इसका डीनर्वेटेड हो चुका है, कितना वो इनर्व, कितना इसका इनर्वेटेड है पोर्शन, तो वो हमें एसडी कर्व से पता चलता है। तो उसके अंदर जो हम करंट यूज़ में लेते हैं ये सब पता लगाने के लिए, तो वो भी गैल्वेनिक करंट होता है। तो ये इसके इंडिकेशंस होते हैं गैल्वेनिक करंट के। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ गैल्वेनिक करंट। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें गैल्वेनिक करंट यूज़ में नहीं लेना, इनफैक्ट गैल्वेनिक करंट ही नहीं हमें वहाँ पे फेरेडिक करंट भी यूज़ में नहीं लेना है। तो ऐसी जगह है जैसे कि कार्डियक पेसमेकर। अगर जैसे सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किडनी पेशेंट्स का जो हार्ट है उधर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है ताकि जो हार्ट की जो हार्ट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड कर सके और हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। तो उन एरियाज़ के अंदर हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रख के गैल्वेनिक या फेरेडिक करंट नहीं देना होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो पेसमेकर है उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको उसकी वो इंटरफेयर करें तो और ढंग से उसको काम ना करने दें, तो उसकी वजह से हमें कभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस का यूज़ नहीं लेना है। और उसके अलावा अगर जैसे जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड या फिर अनस्टेबल एरिथमिया है तो उस टाइम पे भी हम वहाँ पे उस एरिया पे हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमारा जो एंटीरियर या फिर लेटरल पोर्शन है हमारा एंटीरियर नेक का, तो वहाँ पे कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है और वहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोड्स रखेंगे तो हो सकता है कि जो पेशेंट है उसका बीपी फॉल हो जाए और वो एकदम फेंट हो जाए, वो गिर जाए, तो उसके वजह से हमें कभी भी हमारा जो एंटीरियर पोर्शन होता है नेक का वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रोड्स रख के हमें कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है जैसे कि कोई कोमा के अंदर पेशेंट है तो उस टाइम पे भी हमें कोई फेरेडिक या गैल्वेनिक स्टिमुलेशन नहीं देना, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो आपको नहीं बता सकता कि अभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई है उसको कम करो, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लग रही है, और आपने उस जो भी कोमा वाला या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको आपने इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगा के उधर उसको गैल्वेनिक करंट दे रहे हो तो उसकी वजह से उसके बर्न्स हो सकते हैं, केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको कुछ बता नहीं पाएगा कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो उस वजह से जो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो आपको कभी भी गैल्वेनिक करंट यूज़ में नहीं लेना। या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो यूट्रस होता है या फिर जो जहाँ पे जो जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है तो उन सब एरियाज़ के इधर आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना होता, क्योंकि उसकी वजह से रिस्क हो सकता है कि जो फीटस है उसको कुछ हार्म पहुँचे या फिर फीटस अच्छे से ग्रो ना कर पाए तो फीटल डैमेज होने की काफ़ी चांसेस होता है, तो उस वजह से उन एरियाज़ के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना।
अब किसी के मैलिग्नेंसी है यानी कि कैंसर है और वो मैलिग्नेंट है, तो उस टाइम पे भी उस एरिया के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो स्प्रेड हो जाए और कहीं और एरिया में चले जाए और वहाँ पे फिर वो सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लग जाए। तो इस वजह से कभी भी हमें उस एरियाज के अंदर भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना है। या फिर सपोज़ करो कोई पेशेंट है, उसकी वहाँ पे लगी हुई है, वुंड हो रखा है, स्किन जो है वो हट रही है, तो उन ऐसे एरियाज़ के अंदर भी हम कभी भी इलेक्ट्रोड्स नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर स्प्रेड हो जाए वो जो इन्फेक्शन है। तो इस वजह से भी हमें कभी भी ऐसे एरियाज़ के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हमें नहीं देना। या फिर कभी ऐसा भी हो रहा है कि पेशेंट के हैमरेज हो रहा है, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया के अंदर, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो ऐसे एरियाज़ के ऊपर भी कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना। अब जैसे सपोज करो किसी की आर्टरीज या वेंस के अंदर थ्रोम्बस बन गया है, तो उस टाइम पे भी हमें उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देना, क्योंकि बेसिकली होगा क्या ऐसे कि जैसे सपोज करो हमारी जो वेंस है, काफ के अंदर जो वेंस होती है, उधर कोई थ्रोम्बस बन गया और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि वो सेंसरी रिफ्लेक्स वैसोडायलेशन करता है, तो उसकी वजह से वहाँ का एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो जो थ्रोम्बस है जो वहाँ पे बना हुआ है वो उसका कुछ छोटा सा पार्ट टूट जाए और वो एम्बोलाई बना दे, और वो एम्बोलाई फिर उस ब्लड सर्कुलेशन से कहीं और जाके किसी ब्लड वेसल को रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो उसके वजह से थ्रोम्बस की वजह से एम्बोलाई बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उस वजह से जहाँ पे भी थ्रोम्बस है हमारी वेंस या आर्टरीज के अंदर, तो उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कभी भी नहीं देना। तो आई होप कि आप लोगों को गैल्वेनिक करंट समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।